हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे आंदोलन हैं, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में आज बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धर्मसभा, परमहंस मंडली और राधा स्वामी, है ना। इन तीनों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो धर्मसभा, ये धर्मसभा जो है, इस धर्मसभा की स्थापना 1830 में किया जाता है राधा कांत देव के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राधा कांत देव, है ना। ये वही राधा कांत देव हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, और पहले ये राधाकांत देव ब्रह्म समाज से जुड़े थे, है ना, किंतु बाद में जो है इनका जो है कंट्राडिक्शन हो जाता है राजा राम मोहन राय से, दोनों में विभेद हो जाता है, और विभेद हो करके ये राजा राम मोहन राय से अलग हो जाते हैं और स्थापना करते हैं धर्मसभा की। और धर्मसभा में वैसे वैसे लोग रहते हैं जो समाज में रूढ़िवादी कट्टरपंथी सोच के हैं, है ना, जो पुरानी विचारधाराएं समाज में चलती आ रही है उन्हीं विचारधाराओं को वे लागू रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं। वैसे ही सोच वाले व्यक्ति थे राधाकांत देव। तो जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, है ना, तो इन्होंने, इनकी जो संस्था थी वो सती प्रथा का समर्थन किया कि नहीं, सती प्रथा होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था ब्राह्मणों की प्रभुत्व वाली संस्था थी और वो लोग समाज में ये अंधविश्वास को कायम ही रहने देना चाहते थे। और समाज में जब तक अंधविश्वास नहीं रहेगा तब तक वो राज कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए कुछ लोगों का सोच होता है प्रगति, लेकिन हमेशा सोच प्रगतिवादी रखना चाहिए, ठीक है, कि समाज में नया हो, समाज में क्या हो, नया हो, जिससे समाज प्रगति करे। कुरीतियों को ढोना नहीं है, उस कुरीतियों को समाप्त करना है, अच्छा करना है। तो धर्मसभा की स्थापना कौन किया? राधाकांत देव ने किया। पूछता है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, और समर्थन कौन किया? तो राधाकांत देव ने किया, है ना। एक है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था, और ये जो है फेल हो गई थी। क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, ये किसी काम की नहीं रही। बाद में तब जाकर के जो है वे प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं, है ना। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब होती है? 1849 में बंबई में होती है, 1849 में बंबई में होती है। इसमें भी महात्मा गांधी के गुरु है ना, कौन? एमजी रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, बताए थे, है ना, वो भी थे इसमें। देव समाज, तो देव समाज की स्थापना जो होती है ये शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा होती है, 1887 में लाहौर में। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में लाहौर में, है ना। और इनका जो उपदेश है, ये उपदेश दवे शास्त्र नाम की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? दवे शास्त्र नाम की पुस्तक है। उस दवे शास्त्र नाम की पुस्तक में लिखा गया है, है ना, इसका उपदेश। किसका उपदेश? देव समाज का उपदेश। और ये शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी विचारधारा भी जो है ये ब्रह्म समाज से मिलती जुलती थी। तो देव समाज की विचारधारा भी क्या थी? ब्रह्म समाज से मिलती जुलती थी। हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि एक सवाल है, उसको अगर आप लोग वीडियो देखे होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा उसका जवाब, कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है, है ना, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और एक है राधा स्वामी आंदोलन, है ना, राधा स्वामी आंदोलन। तो कही है कि ये राधा स्वामी आंदोलन कृष्ण और राधा से संबंधित है क्या?
तो नहीं, ये कृष्ण और राधा से संबंधित नहीं है, ये सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाला ही आंदोलन है। तो राधा स्वामी आंदोलन जो होती है ये 1861 में शुभारंभ होता है। कब शुभारंभ होता है? 1861 में शुभारंभ होता है। ये आगरा में होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है, वही आगरा जहाँ ताजमहल है ना। तो वहीं से शुरू होता है राधा स्वामी आंदोलन। और इसके जो मेन है, यानी कि इसको संस्थापक कह सकते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, तो इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो शिव दयाल साहब हैं। कौन है? शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब को तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तुलसी राम के नाम से। इनको स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वामी जी महाराज, है ना, स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। और ये पेशा से साहूकार थे। पेशा से क्या थे? साहूकार थे। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहली थी धर्मसभा। धर्मसभा की स्थापना 1830 में कौन किया? राधाकांत देव। इसने सती प्रथा का क्या किया? समर्थन किया, है ना। दूसरा था परमहंस मंडली। स्थापना कौन किया? आत्माराम पांडुरंग ने। कहाँ किया? बंबई में किया, है ना। देव समाज 1887 में। देव समाज 1887 में स्थापना कौन किया? शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन किया? शिव नारायण अग्निहोत्री। इनका जो उपदेश है दवे शास्त्र नाम के पुस्तक में है। किसमें है? दवे शास्त्र नाम की पुस्तक में है। और राधा स्वामी आंदोलन, इसके संस्थापक शिव दयाल साहब। कौन है? शिव दयाल साहब हैं। और इनको तुलसी राम के नाम से, स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटे छोटे वीडियो हैं, छोटे छोटे आंदोलन थे, है ना। तो उस आंदोलन में, उस छोटे छोटे आंदोलन को समझना जरूरी था, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे आंदोलन को कवर कर दिया है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, है ना। और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस ट्रेंड में शिक्षकों को देख रहे हैं कि उनको जाति के नाम से, धर्म के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ठीक है। शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना है, है ना। जैसे जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का प्रारण दो म्यान, है ना। कोई भी काम होता है तो तलवार करता है, म्यान का कोई काम नहीं होता है। जाति कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, धर्म कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ज्ञान कैसा है इससे फर्क पड़ता है। अगर ज्ञान में कमियां हैं तो उसमें कमियां ढूंढिए, लेकिन किसी के जाति में कमी है तो जाति में कमी, कौन जाति का है, कौन समाज का है, कौन धर्म का है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। आपको काम है ज्ञान लेना, आप ज्ञान लीजिए, है ना। और कोरोना महामारी का समय है, घर पे रहिए, मास्क लगाइए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और वैक्सीन आ चुका है, वैक्सीन भी लीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।